हे वो सो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं पोकेमोन यूनाइट। ओके, तो पहले आप दूसरे को पोकेमोन लेने देंगे, फिर अपना पोकेमोन लेंगे। ओके चलो देखते हैं। एक सिंडरेस, जोरवा, ये नया पोकेमोन और टेनफ्लेम। ओके तो सभी ने ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ अपना पिकाचू और सिंपल और मिमिक्यू। पिकाचू और मिमिक्यू दो पोकेमोन सेम थिंग। मैं पिकाचू का कपड़े नहीं पहनूंगा, यही ऐसा ही पिकाचू अच्छा लगता है। ओके 6 सेकेंड, 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ओके सामने वाली टीम में जोरूरा, चारिज़ार्ड, टेनफ्लेम, पिकाचू, ग्रेडिंजा, सेम कौन सा है, जोरूरा और दूसरा पिकाचू। यार दूसरी टीम में भी पिकाचू है और सेम दो ही सेम पोकेमोन है हमारी टीम में। ओके अब रेडी गो, चलिए चलते हैं। पहले थंडर शॉक लेंगे हम, इसको मारेंगे, पर भी हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे ये पोकेमोन में यही बात नहीं पसंद, इसमें बैटल रॉयल होना चाहिए। हम अलग अलग जैसे फ्री फायर पबजी जैसा अलग अलग को ख़त्म करने का टीम वर्क मुझे नहीं मज़ा आता, पर ये गेम मुझे पसंद है क्योंकि ये पोकेमोन की गेम है। इसको भी हमको 2 कैंडी मिल चुके हैं। ओके चलिए आगे खेलते हैं। और हमने इसको भी मारा, चलिए 4 कैंडी मिल गई। चलो मैं स्कॉर्बनी के साथ टीम वर्क करना अच्छा ही रहेंगे। इलेक्ट्रोबॉल हम लेंगे, इलेक्ट्रोबॉल और इलेक्ट्रोवेव 3 अटैक है हमारे पास। इसको भी मारेंगे। सामने वाली टीम से टेलम फ्लेम आ चुका है गाइस। टेलम फ्लेम को हमने मार नहीं सके और क्या करी। और फिर से टेलम फ्लेम आ चुका है, टेलम फ्लेम को मारा इलेक्ट्रोबॉल, तो भी कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे साथ बहुत सारे इसको क्या बोलते हैं, इस पोकेमोन का मुझे नाम नहीं पता। ओके एक ड्रैगन टाइप में आता है, स्वेलो या स्टोलो का नाम है। और ये सामने वाली टीम का पिकाचू आया और भाग चुका है। फिर से टेलम फ्लेम आ चुका है और पिकाचू भाग चुके हैं। हम छुप के बैठे ही रहेंगे, वो कुछ हो तो नहीं ना, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। ओके छुपे ही रहना अच्छा रहेगा, तो मुझे छुपे नहीं रहना था। हम बाहर निकल जाएंगे, हमारी टीम आ चुकी है और गोल पे गोल करी जा रही है। सभी ने गोल कर दिया, अब कितना गोल है, 16 गोल बाकी है। चलो इसको मारे, किसको मारे, कितने गोल, 6 गोल और वो भी हो चुका है। हमको गोल ही करने का नहीं मिला फाइनल में। ओके चलिए आगे चलते हैं। हाँ आगे भी हम गोल का है, पर हमारे पास तो कैंडी नहीं, तो कैसे गोल करें। इसको मारते हैं इलेक्ट्रोबॉल, उसने भी कुछ अटैक किया, हम इलेक्ट्रोबॉल मारेंगे इसको। पिकाचू इस बहरामली वाली टीम का पिकाचू आ चुका है, उसको हम धो डालेंगे। सामने वाली टीम का पिकाचू भाग रहा है, उसको पकड़ने जा रहे हैं। हम लेंगे वॉल टैकल। ओके पिकाचू आ चुका है फिर से, चलो चलो पिकाचू। इलेक्ट्रोबॉल भाग गया फिर से, कैसा पोकेमोन डरपू पिकाचू। यह 4 मिलियन चुका है, बच गए। अच्छा नहीं वो 4000 में वो नहीं हुआ तो हम तो वहाँ ही आज आईपी हो जाते। और यहाँ पे और कोई भी पोकेमोन नहीं है, कोई
एक पोकेमोन है वहाँ, हम हमारे पोकेमोन वहाँ तो फाइट कर रहे होंगे। हमारा वो यूनिट वो कब अनलो होगा कि हम सभी को एक एक शिकार सभी को ढूंढ डाले। हमारे हमारी एच पी बहुत कम हो चुकी है, हमें भागना ही पड़ेगा उसके, इसलिए तो उसके सामने वालों की का जो भागता है। एच पी का सवाल है ना, एक भागता क्यों नहीं, एक मरा। हमारे पास 7 कैंडी हो चुके हैं, चलिए फाइनल कैंडी हम, यह हमारा गोल हो चुका है। हमारे 2 गोल हो चुके हैं, सामने वाली टीम के 1 गोल हो चुके हैं। चलिए आगे, चार्जर आ चुका है, ग्रेडिंजा आ चुका है, ग्रेडिंजा को हम ख़त्म कर डालेंगे। ग्रेडिंजा ने हमारी बैन बचा दी है, भाई बहन का जो एचपी 10 हो गई है और एक उसका पुके मनाया, उसका भी धो डाला, मज़ा आ गया। और दूसरा एक पोकेमोन, बहुत सारे पोकेमोन हमारा यूनिट में अनलॉक हो चुके हैं, हमें यूज़ नहीं करना, तो बहुत सारे आएंगे तब यूज़ करेंगे। रेनिंजा को आने दो, हम यूज़ करेंगे यूनिट में। रेनिंजा ख़त्म, हमको एक ही कैंडी मिल पाई तो पोकेमोन ने ले ली। ओके, मेरा क्या जाता, हमारे टीम का ही फायदा है और वो पोके मरना नहीं चाहिए, इसलिए ग्रेनिंजा हमारे पीछे पड़ चुका है। अब क्या करें, हमारा पोकेमोन आ चुका है, अरे वो तो भाग गया। अब हमारी आरआईपी हो गई, 9 सेकेंड 7 सेकेंड वेट करो। चलो रिस्पॉन हो चुके हैं हम तो जीत ही रहे हैं ना, सभी को तो ऐसे खत्म कर डालूंगा, खत्म हो गए सारे पोकेमोन, मेरे नहीं उसके टीम के सारे पोकेमोन। कितनी देर लगेगी जीतने में, यहाँ फिर से जंग छिड़ चुके हैं। मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपना यूनाइट और मैंने ये यूज़ कर लिया और चार्जर ख़त्म हो चुका है यहाँ, इसलिए मुझे पिकाचू अच्छा पोकेमोन लगता है क्योंकि ये हमारा फ़ायदा ही करता है। और ये फिर से हो चुका है हमारा गोल, हमको बस एक ही गोल करना है, वो है नीचे वाला गोल। ओके, अब मुझे नहीं करना यहाँ फाइट और फिर से हम हो चुके हैं आर आई पी। ओके चलिए फिर से रिस्पॉन्स होंगे हम, रिस्पॉन्स हो चुके हैं और हम जाएंगे नीचे वाली जगह गोल करने के लिए, पर हमारे पास 0 कैंडी है इसलिए हमको पहले एक पोकेमोन को मारना होगा। वो हमारे सामने आ चुके हैं, टेलम फ्लेम को हम करना ख़त्म, और टेलम फ्लेम हम बहुत जूस में और ग्रेडिंजा भी है साथ में, और ये पोकेमोन आ चुका है पर हमको भागना पड़ेगा। हमारा टीममेट बहुत आलसी है इसलिए वो खड़ा हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। हम यूज़ करेंगे यूनाइट मूव और सारे पोकेमोन हो गए, भाग गए सारे पोकेमोन। और हमने यूज़ किया वो वॉलटेकर या इलेक्ट्रो बॉल, मुझे नहीं पता मैंने क्या यूज़ किया। ओके जी, सामने चाइना फ्लेम आ गया था, उसको भी मार डाला है हमने। हमारे मेरे पास है 15 कैंडी और हमें करना है एक गोल। जब ओके अभी 1 मिनट बाकी है हमारे लिए, तो अभी गोल करना अच्छा रहेंगे क्योंकि मैं अभी गोल करूंगा तो मेरी डबल गोल होगा। ओके तो मैं 15 करूंगा, मेरे 30 गोल होंगे। ओके 50 तो 100 ऐसा, तो चलिए हम गोल करते हैं और हमारे बच्चे 12 गोल। या राइट आंसर, हमें ये दोनों को मारना है इसलिए हमें मिलेगा 6 तो 6 का डबल हुआ 12 तो 12 गोल हो गए।
ओके, अब हमारा गोल है सिंड्रेस, भाग जा। या मेरा गोल पहला हुआ। ये टेलम फ्रेम को तो छोड़ूंगा मैं। चलो इसको भी मार डाला, इसको भी खत्म होगा। सिंड्रेस सचिन टीम वर्क, वो भी कड़ी टक्कर तो दे ही रहेगा। चले हम हमारा गोल कर देते हैं उसकी। मैंने भी गोल कर दिया अपना, वो लोग भी खतरनाक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे सारे गोल हो चुके हैं। ओके गाइस, इस सेंटर में तो बस टाइम पास ही करना है। अरे अचानक से टेरर फ्लेम आ चुका है और हम फिर से होने वाले हैं RIP। ओके तो हम फिर से हो गई अपना गेम लास्ट। चलिए अब तो 15 सेकंड हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरे पोकेमोन को ही करना पड़ेगा। वो टीम ने बहुत खतरनाक स्टक कर दिए हमको। चलिए देखते हैं हम जीते या वो जीते। चलिए टाइम पूरा हो गया और टाइम खत्म। चलो देखते हैं कौन जीता। हम आगे कितनी खतरनाक वाली टक्कर दी है हमने। हमारा 565 और उनका 549 हुआ। ओके हमारा एक्सपर्ट से एक्सपर्ट क्लास 1 हो गया है गाइस। ओके चलिए मुझे तो मास्टर बनना है इसमें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ओके बाय।